सिंध नदी ने ग्वालियर चंबल अंचल में तबाही मचा दी है। पहली बार सिंध नदी का रौद्र रूप लोगों ने देखा है। बुधवार सुबह दतिया जिले में सिंध नदी पर बने सेवड़ा और इंदुरखी पुल बह गए। इसके पहले मंगलवार को सिंध नदी के बहाव में रतनगढ़ वाली माता और लांच पिछोर का पुल भी बह गया था। अब दतिया जिले के गौराघाट भिंड के अमाइन नदी के मेहदा घाट का पुल भी खतरे में है। दोनों पुलों पर पानी आ गया है। ककेटो और मड़ीखेड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद मंगलवार की दोपहर से लगातार सिंध नदी में पानी बढ़ रहा है। सिंध नदी के उफान पर आने से अब तक दतिया जिले के 4 पुल टूट चुके हैं। वहीं गौराघाट और भिंड जिले के अमाइन पुल को भी खतरा है।